हेलो। हेलो। प्रियंका पहचाना हाँ कि नहीं? मोहित। हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग हाँ टाइम। हाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज कैसे याद आ गई? मुझे या तुम्हें? मतलब मैसेज तुम करते हो, नंबर तुम सेंड करते हो, मुझे बोलते हो कि मुझे कैसे याद आ गई? वाह भाई, हाँ तो मैंने नंबर परसों सेंड किया था ना, कॉल आज आ रहा है। हाँ तो क्या करता था? बिजी था, सोचा था तुम खुद करोगे, पर तुम्हारा तो आया नहीं। मेरा भी तो नंबर दिया था मैंने। मैंने भी तो वही सोचा कि शायद तुम बिजी हो। नहीं, सोचा मैं नहीं कर दिया। और क्या चल रहा है? कहाँ पे हो अभी? क्या करते हो? कुछ तो बताओ। वैसे मैं भी चैट पे तो क्या? पॉलिटेक्निक कर रही हूँ। पॉलिटेक्निक कर रही हूँ 10th के बाद। अच्छा, सही बात है। मैंने तो 11th 12th करी थी, अभी एग्रीकल्चर में एडमिशन हुई है। वैसे ये सब तो बताया था तुमने फिर भी। हाँ और क्या बोलूँ यार, मैंने ऐसे समझ नहीं आ पहली रहा। बार किसी मैंने ऐसे पहली बार किसी से बात कर दी ना ऐसे, तो मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही है। अच्छा, तुमको शर्म भी आती है? अरे हाँ मतलब एक्चुअली पता आपको है नहीं क्या, आती? आती है, बट एक्चुअली पता है क्या, मैं ना मतलब मैं भी ऐसे ही सोच क्या रहा था कि बंदी क्या फील करेगी, क्या सोचेगी। इतना टाइम हो गया, लाइक 2 2 साल तो हो ही गया ना अप्रोक्सीमेट। अपनी जब 11 हाँ स्टार्ट हुई थी, तब हम दोनों का कांटेक्ट टूटा था ना प्रियंका। हाँ वो तो है। याद है वो अपनी MHT CET की बैचेस, MSCIT की, हाँ सॉरी। कैसे भूल सकती हूँ, कैसे भूल सकती हूँ। याद है कितना बड़ा वाला डेरिमल्क ला के दिया था तुमको, हाँ डेरी और मिल्क तुमने ही क्या तो किया दिया था। क्या किया था मैंने? खा वापस दे दिया लिया था था? जैसे खा घंटा खाया था, वापस दिया था बेटा, फिर दूसरे दिन अरे लिया तुमने था। तो ऐसे अचानक से दोगे तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? और मैंने तुमको प्रपोज भी किया था। हाँ मतलब मैं तुमको उस टाइम उतना नहीं जानती थी ना अच्छे से, तो समझ बस यही रीजन था। अच्छा, ये गए। सब छोड़ो, नहीं मेरे को एक बात बताओ, अभी तुमने क्या कांटेक्ट क्यों किया है मेरे से? मतलब फेसबुक पे क्यों मुझे मैसेज किया, क्यों मुझे रिक्वेस्ट भेजी, क्यों मुझे ढूंढा, रीजन क्या है भाई? अब देखो, भले ही मैंने तुम्हें उस टाइम रिजेक्ट कर दिया बट फीलिंग्स तो मेरी भी थी ना थोड़ी थोड़ी। तुमने अच्छा, अच्छे से फीलिंग्स अप्रोच ही नहीं किया मेरे को, अच्छे क्या नहीं किया मैंने? से प्रपोज ही नहीं किया, अप्रोच करते और दो मेरे चार लाइफ दिन और का, मेरे पीछे आते। अच्छा अच्छा मैं 2 4 दिन और तुम्हारा पीछे था। मेरे लाइफ का पहला प्रपोज था, ठीक है? हाँ तो मेरी लाइफ का तो 8वां प्रपोज था ना, जो मैं एकदम एक्सपीरियंस हो जाऊंगी, है ना? क्या सच्ची? यार आप भी ना सच्ची बोलते हो। ऑफ नहीं, कोर्स कसम से। मेरी तो लाइफ का भी फर्स्ट प्रपोजल था, इसीलिए डर गई थी। तुमने मेरे को मना क्यों किया? क्या प्रॉब्लम थी मेरे में तब? थोड़ा सा डर लग रहा था और हम एक दूसरे को उतने अच्छे से जानते नहीं। और ट्यूशन्स के पास तुमको ही तुम्हारा पता घर है भी ना? था। अच्छा मतलब इतना पता करके रखी है मेरे बारे में? सब कुछ, रोज आता था साइकिल के पीछे तुम्हारी, मेरी साइकिल लेके। हाँ, सच्ची? अच्छा दोस्तों के साथ, आशुतोष, मैं, प्रतीक भैया, हम सब आते थे। पता है तुमको प्रपोज करने की टिप्स मैंने किससे ली थी? किससे? वो प्रतीक था ना अपने बैच में, मोटा मोटा सा, और उसके साथ वो पतला पतला सा, वो क्या हर्षा दीदी का, मतलब जो अपने को सिखाती थी, उनका ये भाई, ठीक है? वो दोनों ने टिप्स दी थी मेरे को। और आशुतोष बस ऐसी, वो तुम्हारी दोस्त मेघना, उस पे लाइन मारता था। मेघना हाँ, एक्चुअली पता है क्या क्या होता था ना, से बहुत मतलब हम लोग ना क्या करते थे कि बस ऐसी
थे कि जो अच्छी लग गई भाई वो उसको ट्राई करेंगे जितने दिन यहाँ पे है। तो प्रतीक, अरे नहीं सच्ची, प्रतीक भैया ने मेरे को इतने सारे टिप्स दी ना कि भाई जो आई काम कर, सीधा जाके तू पहले चॉकलेट्स ले, एक रोज ले और बात कर। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, अपन एक काम करेंगे, अपन इससे बुक मांगेंगे, अच्छा और तुम्हारी बुक के तो पीछे वो मैंने, बहाना था, मेरे को लगा बुक के जरूरत है पीछे, बुक। बुक के पीछे कितना कुछ लिखा था, और तुमने पढ़ा भी था पता है, और क्या बोला था मैंने तुमने मेरे नहीं को, पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था। बस देख के छोड़ दिया। हाँ और मेरे को क्या बोलते हो ये सब लिखने की क्या जरूरत थी, ये सब वैसा, साला मैं इतना डर गया था ना, सोचा साला घर पे ना दिखा दे ये, मेरे लग जाएंगे। ये क्या होता है, मतलब एकदम छुपे उस टाइम पे बुक के पीछे लिखना, प्रपोजल भी ऐसे करना, एकदम अच्छे से करना चाहिए ना। हाँ तो बुक के पीछे लिखा था, दूसरे दिन तुमने वो नहीं पढ़ा, फिर चॉकलेट्स लेके आया, रोज लेके आया, तुम्हारी साइकिल रोकी, तुम्हारे साइकिल के सामने साइकिल रख के, लाइक फिल्मों में नहीं होता, फोर व्हीलर जा रही होती है, दूसरी फोर व्हीलर लाके उसके सामने रुक जाती है, वैसा साइकिल का सीन था अपना। और वैसे ही रुक के तो मैं मतलब बोल दिया बस कि आई लाइक यू, तेरे बुक के पीछे ये लिखा था बट तूने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर तेरे को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट सीरियसली मैं तेरे को लाइक करता हूँ, मैं तेरे को लव करता हूँ। हाँ बस हो गया, उसके बाद मना तो कर दिया मैंने, तो कुछ बोलना ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है प्यार, मतलब मैं तेरे जो पीछे स्टार्टिंग भागना मेरे था पीछे आते। हाँ ऑफ कोर्स, लड़कियों को यही बेटा, तो जिस चाहिए दिन रहता है। एग्जाम, वो एमएससी सीडी के एग्जाम होने से पहले, एक महीने पहले मैं अकोला शिफ्ट हो गया था, पता है ना तेरे को, हम दोनों का कांटेक्ट ही हाँ नहीं था, इवन मैं बैच तक नहीं कर रहा था, मैं सीधा एग्जाम को आया था, और टॉपर था क्लास का, एमएससी सीडी के तो सीआईटी के तो, मेरे को तो अच्छा अच्छे से पता ही था। तो क्या हुआ था ना, तब आने के बाद भी तब मेरे पास गाड़ी थी, अपडेट हो गया था, तेरे साइड में साइकिल के चला गया, तेरे को बोला था कि ये तेरे पास लास्ट चांस है, मैं आज बस एग्जाम के लिए आया हूँ, एग्जाम हो गई है, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं वापस 2 साल तेरे को दिखूंगा नहीं। मुझे क्या पता था तुम सही में ऐसा करने वाला। अच्छा सबको बता था तेरे को छोड़ के, है ना, तेरी वो कौन है मेघना, उसको भी तो पता था, आशु ने बताया था। मेरे को लगा ऐसी बोल रहे हो। नहीं मैंने बस बोला था और तूने तब भी मेरे को मना कर दिया। अच्छा अभी क्यों आई है मेरे कांटेक्ट में ये बताओ। बताई तो मतलब लाइक तो मैं भी करती थी, बस वही है थी थोड़ा या सा है? डर लगता है अच्छा करती थी तो अभी कांटेक्ट क्यों करती, मतलब कि नहीं तुमको अभी मैसेज तो क्यों नहीं, करती। नहीं 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 अभी तो मेरे से अच्छा कोई मिल गया होगा ना, देखो सही बात है। अच्छा देखो मेरे को बोला तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है ना कि इज्जत के साथ बात करूं, नहीं नहीं चलेगा। चलेगा ना, वैसे भी ट्यूशन में ऐसी बात करते थे। हाँ हाँ पता है वो चल अब बता क्या रीजन तुमको है। हमको ये हस्बैंड वाइफ वाला हो जाता है ना, हाँ अच्छा तो सीधा हस्बैंड वाइफ बनना है। तो बना रहे क्या ना बता बे हाँ सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी क्यों कांटेक्ट में आई, मेरे बोल। को ये जानने की पड़ी है, क्योंकि सीधा मना करने के बाद इतने सालों बाद कोई लड़की आके नंबर मांगती है, बोलती है कि क्या मेरे को भूल गए, चैटिंग होती है 1-2 दिन, ये सडनली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो देखो अच्छा नहीं लगा क्या बता, मैं कॉल कर अच्छा देती लगने की हूँ। बात नहीं है यार, बट बस पूछ रहा हूँ, बट बता क्या, ना। अरे नहीं मेरे को तो पसंद था पहले से ही, था या पता ही ना, बस है? थोड़ा पसंद उस टाइम भी था, और फिर मैंने ऐसे देखा भी कि लोग कैसे करते, उस हिसाब से मेरे को लगा तू ज्यादा बेस्ट है सबसे, तो अच्छा अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला मुझे, तेरी आईडी दिखी तो मैंने सोचा अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिला मुझे, तेरी हाँ आईडी दिखी तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई किया जाए। अच्छा तो ट्रायल सक्सेसफुल ऑलमोस्ट 90% तक ऑलमोस्ट, तो दे जो दे, बोलना है बोल दे। जो बोलना है बोल दूँ, इस बार तू नहीं बोलेगा मेरा क्या है, क्या, तेरा क्या है, ये क्या होता है, जानता बोल क्या बोल रही है थी। ना मेरे को क्रश थी ना कभी तेरी, हाँ तो अभी भी होती है, अगर कुछ है तो आवाज़ें टकरी है, अगर क्या बोल रही कोई हैं आप, बन गए
तेरी कोई और गर्लफ्रेंड थोड़ी बन गई। हाँ तो क्या बात है इसमें, तू बता ना आप क्या काम है तेको मेरे, क्या करना बस मैं चाहती तो हो। तेरी याद आई इसलिए। ओहो नहीं याद आती भी है तो 2-3 साल बाद आती है। ओ भाई मेरे तो को तो पता ही गलती नहीं कब था। से हो जाती ना, उस टाइम छोटे छोटे थे ना हम लोग। अच्छा छोटे हाँ छोटे थे, 11th 12th में होना हाँ छोटे छोटे होते, सॉरी 10th में था ना ऑफ तब। कोर्स छोटे छोटे ही होते। तूने हाँ पता है बट अब क्या करने आई है मेरी लाइफ में। भी तो कभी कांटेक्ट नहीं किया, एक बार मैंने मना कर तो दिया मेरे को ऐसे क्या तो। पता था, तू कैसी बंदी है ना मेरे को पता है। कितने हम तेरा नाम रखा था, क्या नाम रखा था हमने टिफिन में तेरा, साइलेंट प्रोफाइल। साला कुछ भी नहीं बोलती है, मोबाइल की होती है ना साइलेंट प्रोफाइल जिसमें ना तो मोबाइल मतलब म्यूट हो जाता है, लाइक वाइब्रेट भी नहीं करता, कुछ भी नहीं होता है, वैसी है तू। ठीक है ना ट्यूशन में देखा, अभी बोल रही फोन पे, मतलब अभी बाहर का है भाई, बदलाव आ जाते हैं, हवा लग जाती है बाहर की। तो बताई तो गई, सब छोटे छोटे थे ना, बड़े होने के बाद चेंजेस आ जाते हैं। अब क्या है फिर, कोई बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है तो नहीं, पर अगर कोई बनने के लिए तैयार हो तो। कौन है, कौन तैयार होगा बता। अरे है एक पागल सा बुद्धू सा लड़का, उसका नाम क्या है। नाम हाँ वो ना कोला में रहता है, पता है। हाँ लेकिन अब वो सॉरी होगा कोई और, मेरे को लगा मैं हूँ। बता ना क्या बोल रही है, पक्का क्या। बता दूँ, पक्का हाँ बेटा अभी मैं अकोला में नहीं, मैं बुल्ढाना में रहता हूँ। ठीक है मेरी एडमिशन एग्री में हो गई है, अभी भी बता इलेवेंथ ट्वेल्थ में दूँ। रखना है क्या मेरे को। उसका नाम पता है इतने का, पक्का बता दूँ। तेरी आवाज बहुत अटक रही है बे। मैं बोली सुनेगा पक्का बता दूँ, हाँ बता दे। पर मेरे को ये डर ना, तेरे को मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने एक बार उसका रिजेक्ट कर दिया था ना। अरे कर लेगा भाई, बता कौन है। पता करेगा हाँ मैं थोड़ी हूँ जो मेरे को बोल रही है, बता कौन है। तो बताना, वो करेगा कि नहीं। करेगा भाई यार, तू अच्छी तो है, क्यूट सी है, कर लेगा, साइलेंट है, साइलेंट प्रोफाइल है हमारी, कर लेगा। हो गया ना, साइलेंट साइलेंट बोल के ताना मत मारने को। तो हाँ तो बोल आगे क्या बोल रही है, सीधा पॉइंट पे आ, कौन है वो। मैं जिससे बात कर रही हूँ अभी फोन पे, अरे अच्छा मेरे अलावा कोई भी कोई और भी है कि कॉन्फ्रेंस पे। डम्बो, इतना हिंट देने के बाद भी तू ना बहुत बड़ा पागल है। अरे मेरे को समझ गया है, तूने जब अकोला बोला ना तभी समझ गया, और मैं अभी अकोला नहीं बुल्ढाना में हूँ। ठीक है पहले तो रहता था ना, हाँ तो फिर भी मतलब मेरे मुंह से पूरी बात बोलवानी थी ना, जान बुझ के अनजान बन रहा है, कितना गंदा है तू। थैंक यू। अच्छा तो मैंने उसको क्या तारीफ करती नहीं है तू। की नहीं ना, नहीं मतलब मेरे को क्या करता है तू, करती है तू बताया तो कि क्या, थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी, बट यही डर लगता था थी या है। उस टाइम थी, और अभी फीलिंग्स ना बढ़ गई है। वाह 1-2 दिन की चैटिंग हाँ हुई। हाँ जानता हूँ मैं फ्लर्टिंग बहुत ज्यादा करने लग गया हूँ, बट तब भी मैं तो करता था तेरे नहीं फ्लर्ट। फ्लर्ट कर रही हूँ ना। हाँ साइलेंट प्रोफाइल। अच्छा हाँ तो इन शॉर्ट तो मेरे को लाइक करती है। हाँ, चल मैं तेरे को झूठ नहीं लाइक बोलूंगा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है कि थी, है नाम पूछ, कौन है बता। उसका नाम है प्रियंका, जो अभी मेरी फ्रेंड बनी है, और गर्ल तो है, लड़की है ना तू, लड़का है। मैं ना फोन दे रही हूँ, तुम मेरे से बात मत कर रहे थे, जा रही हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ बे, तू ही है, गर्लफ्रेंड नहीं है बट फ्रेंड तो है। अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड है, सिर्फ फ्रेंड है और कुछ नहीं। देखो अच्छा तो तेको मेरे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। नहीं बनना क्या, अरे बन जाएंगे यार, हमको क्या है, हम तो है हम तो है ही नल्ले, बस नहीं यूनिवर्सल सिंगल। ठीक है तो नल्ला है, बस मान ले नल्ला है बस, कमी नहीं। है ना। अच्छा एक बार बोल तो मैं नल्ला हूँ।
हाँ तो नल लिया, आगे कुछ? तो कुछ नहीं, नहीं चल रहा बोलेगा ना, फोन। मतलब अब उनकी मेरे को बारी जाना आती तो। है, बाय बाय हाँ ठीक बाय, फोन आ रहा है मेरे को, तू रख फोन, ठीक है, कल बात करते हैं। है, बाय। अच्छा सुनना, नहीं सुन रहा है, मैं सोचा तो बात करूं तारी। अरे ठीक है, बाय। गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। कितना गंदा है ना, मैंने तेरे को फोन किया, अच्छे अच्छे से बात की तो क्या। अब भी मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का फोन नहीं आ फोन रहा है मत तो ये करना तू मेरे को अब। ठीक है ना, देखते हैं ना एक तो किसका कभी कॉल आता कुछ है शाम में। हाँ कांटेक्ट नहीं किया, और मैंने किया तो उसने भी ऐसे बोल रहा है। तो देखते हैं ना क्या होता है आगे, तू रखना फोन अब बस। अभी तो मैं थोड़े मजे लूंगा तेरे, ऐसी थोड़ी ना हाँ करते हैं हम किसी को। तो बता ना, बनेगा कि नहीं? सोच के बताऊंगा, अच्छा ठीक मैं है, एकदम मत सोचना, एक टाइम पे मैं अभी सिर्फ ठीक मैं सोच के बताऊंगा यार, अब सोच के है। वो बताऊंगा, तो सोच के बता, अभी बता। मोहित कितना बाय। हेलो, आवाज नहीं आ रही, मैं रख रहा हूँ, बाय। टाटा। गंदा है यार, मेरे को नहीं बात करना। हाँ तो देख लिया तक, पता है कुछ समझा नहीं होगा कि भाई चल क्या रहा है। स्टार्टिंग में लिखा तो है 3.5 महीनों बाद, 3 या 3.5 कुछ लिखा है, ठीक है। तो देखो गाइस, बात ऐसी हुई थी कि जिस दिन उसके बाद जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तब बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, आप लोग सोच नहीं सकते हो उतना, क्या बताऊँ। फिर 3-4 दिन मैंने ऐसे ही बीते, कभी उसका कॉल आता था, कभी नहीं आता था, ब्लॉक करके रखा था, कभी अनब्लॉक होता था, कभी ऐसी बातें होती थी। और उसको ऑनलाइन देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऑनलाइन रहती थी वो लड़का विशाल भी ऑनलाइन रहता था, दिमाग ख़राब हो जाता था बहुत ज़्यादा। मूव ऑन करना था, कैसे करूँ समझ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। और उसके बाद 3 महीने हो गए, मुझे सीधा मैसेज आता है FB पे, बहुत टाइम बाद FB खोलता हूँ, मैसेज आता है हाय करके, नाम होता है प्रियंका लिखा हुआ। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये प्रियंका कौन है, कौन है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ बट। और इसी के साथ साथ एक दूसरी भी प्रियंका होती है जो दूसरी सिटी से बिलोंग करती है, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 2 प्रियंका होती है। तो जब हाय आता है तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि ये कौन सी वाली प्रियंका है भाई, क्योंकि नाम दोनों के सेम, सरनेम दोनों के सेम, तो मैं पूरा कंफ्यूज कि ये कौन सी वाली प्रियंका है। तो जब चैटिंग होती है, बातें होती है, बहुत सारी चैटिंग नहीं, चैटें होने लगती है, क्योंकि मेरे को मूव ऑन करना था और मन अपना दूसरी तरफ भटकाना था, तो इसीलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा बात करने लग गया। और ये मेरे को लाइक करती थी, इसने मेरे को चैट पे भी बता दिया था कि लाइक करती हो ये वो। तो मैंने फिर सोचा कि चलो यार अब कर भी क्या सकते हैं, तो मैं भी भाव देने लग गया क्योंकि मूव ऑन करना था। और तब होता है ना कि जब ब्रेकअप होता है तो दिल करता है कि नहीं साला अब एक ऐसी लड़की पटाएंगे ना जो इससे भी अच्छी हो, बस इसलिए ताकि हम अपनी जो एक्स होती है उसे जला सकें, ठीक है। मेरा भी मोटिव यही था, इसीलिए मैंने 2 लड़कियां बता ली, दोनों का नाम प्रियंका था, पहली ये वाली, और उसके पहले आई थी वो थी दूसरी वाली प्रियंका, ठीक है, जिसको मैंने नहीं लिया, इंट्रोड्यूस नहीं किया, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कर दिया था क्योंकि मेरे को मूव ऑन करना था, मन भटकाना था। तो आज तो आपने देख लिया क्या हुआ है, अब आगे भी देखते रहना, इंटरेस्ट अब बढ़ेगा, अब होता है मेन पार्ट शुरू। अब मतलब क्या बताऊँ, इतने दिन से, 2-3 दिन से सैड सैड वीडियो आ रही थी ना, अब थोड़ी स्माइली वीडियो आई है, अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं समझी है तो जिसने इसने पुरानी वीडियोस इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर देख लो, तब जाके ये समझेगी भाई, नहीं तो नहीं समझेगी क्या चल रहा है इधर, ठीक है। होप सो आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।